नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, लाजवाब होंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, यूपी एएनएम की जो वैकेंसी है उसको काफी दिन हो गए हैं। कल 31 दिसंबर यानी कि साल के अंतिम महीने में आपके जो आयोग के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार जी, उन्होंने एक अंतिम बैठक साल की और उसमें यूपी एएनएम भर्ती से लेकर कुछ फैसले लिए हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं, ज्वाइनिंग को लेकर आयोग ने फैसला किया है, यानी कि उस मीटिंग में ज्वाइनिंग को लेकर कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। वहीं पर उस फैसले के अकॉर्डिंग आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकेगी और जो आपका महाधरना हो रहा था लखनऊ में उसका क्या हुआ, इस सब महत्वपूर्ण बातों को आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है जिससे पूरी इंफॉर्मेशन कि आखिरकार जो आपके नए अध्यक्ष चुने गए हैं उनकी तरफ से कल की मीटिंग में क्या फैसला आया है आपकी ज्वाइनिंग को लेकर, वहीं पर आपकी ज्वाइनिंग उनके फैसले के आधार पर कब तक हो सकेगी और जो आप जो आपका जो महाधरना चल रहा था लखनऊ में उसका क्या हुआ, उसकी नजर जो आपका जो महाधरना है उस पर आयोग की नजर पड़ी और उनका आयोग क्या कहना चाहता है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, देखने में आ रहा है कि व्यूज काफी अच्छे आ रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे भी यूपी एएनएम वैकेंसी एवं अन्य भर्तियों से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहे। तो यहाँ पर आप देखिए, वो जो आपकी ज्वाइनिंग है उसको लेकर आयोग ने कल एक बैठक की थी मित्रों, और उसमें कहा गया है कि ये तो निश्चित है कि जो आपका ईडब्ल्यूएस का कोर्ट केस चल रहा है उस पर 50 केस आपके फाइल हो चुके हैं। उन्होंने कहा है जो आपके 7189 पद है यानी कि फ्रेश ज्वाइनिंग, उनको उन्होंने उसमें कहा है कि ईडब्ल्यूएस कोर्ट केस अगर कुछ समय में आपका फाइनल नहीं होता है तो बिना केस फाइनल हुए ही आपकी ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, क्योंकि यह केस है, अगर यह लंबा खिंचा तो आपकी भर्ती भी लंबी खिंच जाएगी दोस्तों, और आयोग नहीं चाहता कि आपकी भर्ती लंबी खिंचे। आयोग की तरफ से पूरी जो भी प्रक्रिया है वो सब पूरी हो चुकी है, वहीं पर केवल जो आपकी ज्वाइनिंग है वो केवल और केवल ईडब्ल्यूएस जो कोर्ट केस हुए पड़े हैं उनकी वजह से रुक रही है। आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार जी, उन्होंने साफ साफ कहा है अगर ईडब्ल्यूएस कोर्ट केस कुछ दिनों में सॉल्व नहीं होता, यानी कि कुछ दिनों में सॉल्व नहीं होता, वह 2189 पदों को फ्रेश ज्वाइनिंग प्रोवाइड करा देंगे, उनके लिए ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा मित्रों। वहीं पर आप देखिएगा और जो बाकी बच्चे हैं, क्योंकि टोटल वैकेंसी तो 9212 पदों की थी दोस्तों, उनको प्रोविजनल ज्वाइनिंग थोड़ी लेट मिलेगी, हो सकता है ईडब्ल्यूएस कोर्ट केस के बाद ही मिले, और यह उम्मीद यह अंदाजा भी लगाया जा रहा है जैसा कि हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से पता चल रहा है कि जो ईडब्ल्यूएस जो कोर्ट केस है वो जल्द ही आपका सॉल्व हो जाएगा, उसका जो फैसला है चाहे बच्चों के पक्ष में आए चाहे आपका आयोग के पक्ष में आए वह बाद का मैटर है, लेकिन जल्द से जल्द वह सॉल्व हो जाए, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि बच्चों को जो भी आपकी ज्वाइनिंग लेटर है वो प्रोवाइड कराया जाए, उनके घर में उजाला हो, नई साल के रूप में उनको भी एक खुशियां मिलनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों, जब कल की मीटिंग हुई थी उसके आधार पर ज्वाइनिंग कब होगी, तो आयोग का एक फैसला है कि वह 7189 पदों को जनवरी में ही ज्वाइनिंग दे देगा, यानी कि उसने साफ साफ कहा है कि जनवरी में आपको ज्वाइनिंग देने की पूरी पूरी कोशिश करी जाएगी। वहीं पर जो आपका महाधरना चल रहा था मित्रों उसका क्या हुआ, जो लखनऊ में हमारी बहनें महाधरना कर रही थी दोस्तों, आयोग की उस पर भी नजर पड़ी है, उस महाधरने को लेकर भी मीटिंग में कुछ कहा गया, उस पर विचार रखे गए, आपके जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द होगी, ऐसा आयोग ने फैसला लिया है। और आगे अगर यूपीएएनएम वैकेंसी से कोई भी रिलेटेड अपडेट आएगा तो एकेजीएस रिसर्च सेंटर फिर से आपके सामने लेकर आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपके यूपी एएनएम एवं अन्य भर्तियों से रिलेटेड जो मुख्य महत्वपूर्ण अपडेट होते हैं वो समय समय पर आपको मिलते रहे। दोस्तों, उम्मीद है आपको पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। आखिरकार 31 दिसंबर को कल प्रवीण कुमार अध्यक्ष द्वारा यूपी आयोग के कुछ कर्मचारियों की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो फैसला आया मैंने आपको बता दिया, ज्वाइनिंग आपकी जनवरी तक हो पाएगी, उस फैसले के आधार पर आपके महाधरने पर अभी विचार करा जा रहा है, आपका जो महाधरना है उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है आयोग पर जिससे आपकी ज्वाइनिंग जल्द देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, कोई भी अपडेट आएगा तो फिर से मिलूंगा आपकी अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलेंगे ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।